हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्कूल यूट्यूब चैनल। दिस इज मैरी कैनी एंड आई एम टूर योर इकोनॉमिक्स टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो लेक्चर क्लासेस ऑफ द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड टुडेज चैप्टर इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज जिस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। ये चैप्टर है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में जो हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगी वो होंगी डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स की, उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अलग अलग कितने सारे डेफिनेशंस हैं और किन किन बेसिस पर हैं, किन किन इकोनॉमिस्ट ने दिया है। इसके अलावा हम जानेंगे इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम ये सब्जेक्ट मैटर जो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में जानते हैं। जो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट मैटर है वो है इकोनॉमी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमी एंड इन दिस सब्जेक्ट वी आर ओनली स्टडी द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। सो ए क्वेश्चन अराइजेज हियर, व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज एन इकोनॉमी, ये इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी इज द प्लेटफॉर्म ऑन विच वी आर परफॉर्म आवर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। इस चैप्टर के जो फर्स्ट जो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इकोनॉमी। क्योंकि जब इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमी है और हम यहाँ इकोनॉमी के जो अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो प्रॉब्लम हैं, इन्हीं को डिस्कस करने, इनको एनालाइज करने और इनके सोल्यूशन निकालने के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। मैंने अभी डेफिनेशन दे ही दिया इकोनॉमी का। इसमें इकोनॉमी में जो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम अपनी लिवलीहुड को अर्न करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम लिवलीहुड अर्न करने के लिए ही करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिकल एक्टिविटी की कैटेगरी में आती है। और इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो सिस्टम हमारी कंट्री ने हमको प्रोवाइड किया है उसी को हम इकोनॉमी बोलते हैं या फिर कंट्री की इकोनॉमी बोलते हैं। अब ये भी जान लें कि इकोनॉमी में जो सब्जेक्ट मैटर जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है। मैंने भी बोला इकोनॉमिकल एक्टिविटीज चार टाइप की होती है। फर्स्ट प्रोडक्शन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड एक्सचेंज एंड फोर्थ कंजम्पशन। अब व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वी आर कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। इन अदर वर्ड्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन। जब कभी किसी चीज़ को हम यूजफुल बना देते हैं, उसमें यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, तो इस प्रोसेस को ही हम प्रोडक्शन बोलते हैं। अगर दूसरे वर्ड में बोलें तो जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उससे उसकी यूटिलिटी बढ़ती है, साथ ही वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे वीट से फ्लोर में कन्वर्ट करना, ये एग्जाम्पल है प्रोडक्शन का। वीट के मुकाबले में फ्लोर की प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है और इसके कारण इसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है और इसकी यूटिलिटी भी बढ़ती है। इसी कारण इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इन दिस एक्टिविटी ऑल द प्रोड्यूस गुड्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। जब हम किसी भी सामान को, जो प्रोड्यूस गुड्स हैं, जब उनको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रांसपोर्ट करके, डिस्प्लेस करके पहुँचाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए जो प्रोड्यूस गुड्स हैं वो मार्केट तक पहुँचते हैं। मार्केट तक पहुँचने में इसमें बहुत सारे लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, एज ए ट्रेडर, एज ए ट्रांसपोर्टर। ये सभी लोग जो कंबाइंड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसके जरिए ये मार्केट तक पहुँचती है और फाइनली इसको कंज्यूमर परचेज कर पाता है। एक आता एक्सचेंज। एक्सचेंज की जो एक्टिविटी है ये कंज्यूमर परचेज करता है। ये फाइनल फेज है डिस्ट्रीब्यूशन का। ये डिस्ट्रीब्यूशन का फाइनल फेज इसलिए है कि इसके बाद जो ये जो प्रोड्यूस गुड्स हैं ये फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। फाइनल पेमेंट मेड बाय द कंज्यूमर टू परचेज द प्रोड्यूस गुड्स इज कॉल्ड एक्सचेंज। एंड आफ्टर द एक्सचेंज द ऑल द गुड्स आर एग्जिट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड अवेलेबल फॉर कंजम्पशन।
ये जब एक बार जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से बाहर निकल जाता है तो फिर ये कंजम्पशन के लिए अवेलेबल होता है किसके पास, कंज्यूमर्स के पास। कंज्यूमर्स को कंज्यूम कर सकता है, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्सचेंज एंड कंजम्पशन इज द फोर्थ एंड लास्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटी परफॉर्म बाय कंज्यूमर। इस फेज में जो कंज्यूमर है जब सामान को यूज करता है तब इसको हम लोग कंजम्पशन बोलते हैं। और कंजम्पशन के जरिए जैसे प्रोडक्शन में यूटिलिटी क्रिएट हुई थी, कंजम्पशन के जरिए सारी यूटिलिटी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, उसकी सारी यूटिलिटी खत्म हो जाती है। कंज्यूमर इसको क्या करता है, जो प्रोड्यूस गुड्स है इसको सारी यूटिलिटी को यूज कर लेता है और उसके बाद इसकी सारी यूटिलिटी खत्म हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग कंजम्पशन बोलते हैं। तो चार एक्टिविटीज हैं जिनको कि हम स्टडी करते हैं। इसी स्टडी करने के लिए ही जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट का ही प्राइम मोटिव भी है, उसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये इकोनॉमिक्स में जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है स्टडी करने का वो यही है कि हम इकोनॉमिक वेरियस इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को हम स्टडी करें। इसके ऑब्जेक्टिव बहुत सारी हो सकती हैं, वेलफेयर, डेवलपमेंट, लेकिन ये सारे जो मोटिव हैं वो तभी सक्सेसफुली अचीव हो सकते हैं जब हम इस सब्जेक्ट को सीरियसली पढ़ें और समझें। तो ये हुआ इकोनॉमी, जो सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स का उसका डेफिनेशन, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं जो पार्ट ऑफ इकोनॉमी हैं इसके बारे में भी हम अब जान चुके हैं। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स से पहले हम जरा समझते हैं कि कितनी तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में। ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जिनका मोटिव अर्निंग और एक्सपेंडिचर ना हो वो सब नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज ही हैं। और जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनका हमेशा मेरा मोटिव अर्निंग और एक्सपेंडिचर होता है वो सारी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में हम डिफ्रेंशिएशन कर लें और ये भी जान लें कि इकोनॉमिक्स में हम केवल और केवल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं, नॉन इकोनॉमिकल को नहीं। अब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की सिम्टम क्या है, कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, कौन सी नॉन इकोनॉमिकल, और नॉन इकोनॉमिकल कितने टाइप की हो सकती है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द सिम्टम ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आर इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू सम मॉनेटरी वैल्यू। ये ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होती है, जिनको हम रुपए पैसे में इनकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। और ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें हमेशा मनी इन्वॉल्व हो वो सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में ही कंसिडर की जाती है। अब नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिनका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता, जिसमें हम कोई भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने या प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि किसी और मोटिव से हम इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। जैसे वो एक्टिविटीज़ मेंटल पीस हो सकता है, या फिर वेलफेयर हो सकता है, चैरिटी हो सकती है, ये सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। क्योंकि इसमें अगर मनी इन्वॉल्व है भी तो भी इसमें विदाउट मोटिव हमने मनी इन्वॉल्व किया है, इसी कारण से इन एक्टिविटीज़ को हम नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। अब जरा डिटेल में जानते हैं कि नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती हैं। ऑल द सोशल एक्टिविटीज़ आर कंसिडर्ड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो सब नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के कैटेगरी में ही आती हैं। अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जरा इसके बारे में जान लें। जैसे किसी भी तरह का पार्टी फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, ये सारी एक्टिविटीज़ सोशल एक्टिविटीज़ का पार्ट है। लेकिन इसमें जो ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसका मोटिव कभी भी अर्निंग इनकम नहीं होता, भले ही इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में बहुत सारे रुपए खर्च करें, लेकिन फिर भी इसमें मनी इन्वॉल्व होने के बावजूद मोटिव चूंकि अर्निंग नहीं है, इसी कारण से ये एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में ही कंसिडर की जाएगी। पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ऑल द पॉलिटिकल एक्टिविटीज लाइक रैलीज, इलेक्शन कैंपेन एंड अदर एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द पॉलिटिकल लीडर्स एंड द वर्कर्स आर कंसिडर्ड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ये सारी एक्टिविटीज जो किसी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल वर्कर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं पार्टी के फेवर में, जैसे इलेक्शन कैंपेन है या रैली है, ये सारी एक्टिविटीज आती हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज
क्रिकेट एग्रीमेंट। इन एक्टिविटीज को भी हम नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें भी कोई मोटिव नहीं है इनकम का, इसी कारण से हम इन एक्टिविटीज को नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज मानते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज कहते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज की बात है, रिलीजियस एक्टिविटीज, ऑल द रिलीजियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू आवर रिलीजन लाइक वर्शिप एंड ऑल अदर एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड रिलीजियस एक्टिविटीज, एंड ऑल्सो इन दिस एक्टिविटी आर मोटिव ऑफ अर्निंग इज नॉट अवेलेबल। इन तरह की एक्टिविटीज में भी जो ये मिसिंग है, जो अर्निंग की एक्टिविटी है वो मिसिंग है, इसी कारण से इन तरह की एक्टिविटीज को भी हम रिलीजियस एक्टिविटी तो बोल सकते हैं, लेकिन इन रिलीजियस एक्टिविटीज को भी हम पॉलिटिकल, ये रिलीजियस एक्टिविटीज को भी हम नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में ही कंसिडर करते हैं। ये भी कैटेगरी, इनकी इसकी कैटेगरी भी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में ही आती है। उसके बाद चैरिटेबल एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज में डोनेशन, चैरिटी, फंड ग्रांट करना, ये करते हैं सारी एक्टिविटीज, ये चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं। इनमें भी जो चैरिटी करता है, डोनेशन देता है, उसकी कोई डायरेक्ट मोटिव नहीं होती इनकम की, कोई इंटेंशन नहीं होता रिटर्न का, इसी कारण से इन एक्टिविटीज को भी हम नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में ही कंसिडर करते हैं। इसका आता है पैरेंटल एक्टिविटीज। हम और आप जितने भी लोग हैं, उन सभी लोग की जो पेरेंट्स हैं वो भी खर्च करते हैं, केयर करते हैं अपने बच्चों की, इसमें भी वो खर्च करते हैं, लेकिन इसमें भी उनका मोटिव कोई डायरेक्टली अर्निंग का नहीं होता, वो लव, अफेक्शन और दूसरे ऐसे फीलिंग्स हैं जिनके कारण वो इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इसलिए पैरेंटल एक्टिविटीज को भी हम नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में ही कंसिडर करते हैं। साथ ही साथ जितने भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में जैसे स्विमिंग, जॉगिंग या दूसरे जो एक्सरसाइज हैं, ये भी हम अपनी फिजिकल फिटनेस या मेंटल फिटनेस के लिए करते हैं, ना कि कोई इनकम के लिए। इसलिए इन एक्टिविटीज़ को भी हम नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में ही कंसिडर करते हैं। अब जरा एक कुछ सिम्टम समझ लेते हैं, जिससे हम डिफ्रेंशिएट करना नॉन इकोनॉमिकल और इकोनॉमिकल को ईजी हो जाए। एक एग्जाम्पल है, कोई डॉक्टर है, वो ट्रीटमेंट करता है किसी भी पेशेंट का और वो फी चार्ज करता है, इसका मतलब वो इनकम कर रहा है। जब वो इनकम कर रहा है, फी चार्ज कर रहा है, तो वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगी। लेकिन वहीं अगर वो किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में या फिर किसी कैंप में बैठा है और पेशेंट आ रहे हैं, उसका वो ट्रीटमेंट कर रहा है लेकिन फी चार्ज नहीं कर रहा, तब इस सिचुएशन में वो सोशल एक्टिविटी हो सकती है, चैरिटेबल एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि उसमें उसका इनकम का जो मोटिव है वो मिसिंग है। तो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ, जिस मोटिव के साथ एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, उसी से ये पता लग सकता है कि कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है और कौन सी नॉन इकोनॉमिकल। जिन एक्टिविटीज में भी अर्निंग एक मोटिव है, वो सारी एक्टिविटी इकोनॉमिकल एक्टिविटी, और जिसमें इनकम अर्निंग मोटिव नहीं है, वो सब नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के कैटेगरी में आएगी। अब आगे जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वह है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज, इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड with an inquiry into the nature and causes of wealth of nations and is related to the laws of production, exchange, distribution and consumption of wealth. इस डेफिनेशन में एडम स्मिथ ने कहा है कि जो इकोनॉमिक्स है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव वेल्थ क्रिएशन है, और वेल्थ क्रिएशन के ऑब्जेक्टिव से ही हम जो अलग अलग इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं उनको स्टडी करते हैं और साथ ही साथ इसको परफॉर्म भी करते हैं, जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन। और इसका जो प्राइमरी और साथ ही साथ जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वो है वेल्थ क्रिएशन। केवल वेल्थ क्रिएशन के लिए ही और मनी अर्निंग के लिए ही सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, और इन एक्टिविटीज जहाँ स्टडी करते हैं उसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब द इम्पॉर्टेंट करेक्टिविटीज ऑफ दिस डेफिनेशन, फर्स्ट जो इस तरह की इस डेफिनेशन की जो करेक्टिविटीज हैं, जो स्पेशल फीचर्स हैं, उनमें सबसे पहला स्टडी ऑफ वेल्थ। इस डेफिनेशन में हम वेल्थ को ही स्टडी कर रहे हैं,
यहाँ हमने पहले ही बोला इस डेफिनेशन की जो प्राइम ऑब्जेक्टिव जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो वेल्थ क्रिएशन। इसलिए इस सब्जेक्ट मैटर में सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर वेल्थ है, क्योंकि उसको ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बताया गया है इस डेफिनेशन में। इसलिए हम इस डेफिनेशन की में मेनली वेल्थ को ही स्टडी कर रहे होते हैं और वेल्थ के जो काउजेज हैं उनके बारे में जानते हैं और ये पता लगाते हैं कि किस तरीके से कितने अलग अलग हमारे पास में मीडियम है जिसके जरिए हम अर्निंग कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये इस डेफिनेशन की पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी, ऑनली मटेरियल कमोडिटीज। इस डेफिनेशन में हम केवल जो मटेरियल कमोडिटीज हैं, जो फिजिकल कमोडिटीज हैं, केवल उनको ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि जिस टाइम ये डेफिनेशन दिया गया था उस टाइम सर्विसेज भी एक इकोनॉमिकल यूटिलिटी रख सकते हैं, उससे भी अर्निंग हो सकती है, ऐसा सोचा नहीं गया था। इसीलिए इस डेफिनेशन में हम मटेरियल कमोडिटीज को ही वेल्थ में कंसिडर करते हैं और उसी को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इसलिए यहाँ पर केवल मटेरियल कमोडिटीज को ही मेनली इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उसी को स्टडी करते हैं। इसमें फिर काउजेज ऑफ वेल्थ है। अब काउजेज ऑफ वेल्थ में जो प्रोडक्शन है, जो अलग अलग मटेरियल प्रोडक्शन हो रहे हैं, इन्हीं को मेनली काउज माना गया वेल्थ क्रिएशन का। वेल्थ क्रिएशन का जो मेन काउज है वो प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कमोडिटीज, इनको ही कंसिडर किया गया है, इसी को मेन काउज माना गया है वेल्थ क्रिएशन का। और ह्यूज स्ट्रेस ऑन वेल्थ, इस डेफिनेशन में की एक और खूबी है, इसमें वेल्थ पर ह्यूज स्ट्रेस डाला गया है, मतलब जितनी जरूरत है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस वेल्थ को दिया गया है। वेल्थ को ही इसमें अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव के रूप में कंसिडर किया गया है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। और ये मान लिया गया है कि जितने भी लोग हैं दुनिया में वो केवल और केवल वेल्थ अर्निंग, वेल्थ क्रिएशन, इनकम अर्निंग के लिए ही अपनी पूरी लाइफ में स्पेंड करते हैं। ये इस डेफिनेशन की फोर्थ सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये है द ह्यूज स्ट्रेस ऑन वेल्थ आर इकोनॉमिक मैन। और इसमें एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक मैन के बारे में इमेजिन किया है और उसी को डिफाइन भी किया है, जिसमें उन्होंने ये कंसिडर किया है, इमेजिन किया है कि जितने भी लोग हैं जो सोसाइटी में रहते हैं सभी इकोनॉमिक मैन हैं और बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी इनकम के वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना नहीं चाहते और वो हमेशा हर एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले अपनी इनकम के बारे में और जो मनी कंसिडरेशन है उसके बारे में सोचते हैं। तो ये एक इमेजिनेशन है, एक इमेजिनरी बोल सकते हैं पर्सनैलिटी क्रिएट की गई है जिसको हम इकोनॉमिक मैन के रूप में जानते हैं। ये क्रिएट की है एडम स्मिथ ने अपने इस डेफिनेशन के जरिए। अब इस जो डेफिनेशन है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इसी क्रिटिसाइजेस ने जो मेनली जो अलग अलग पॉइंट्स हैं जिन पर क्रिटिसाइज किया वो पॉइंट्स हैं, पहला मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इस डेफिनेशन में जो वेल्थ को हमेशा मेटेरियल से जोड़ करके देखा गया, जबकि ये सोचना कि हमेशा जो वेल्थ है वो हमेशा मेटेरियल से रिलेटेड ही हुए जरूरी नहीं है, क्योंकि अच्छा हेल्थ भी, अच्छा हेल्थ, अच्छी इन्वायरमेंट, ये भी वेल्थ का ही पार्ट है, क्योंकि ये भी हमारे लिए सेटिस्फैक्शन का एक बेस है। लेकिन इस पार्ट को इस डेफिनेशन में पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। ये एक बहुत बड़ा वीकनेस है इस डेफिनेशन का। इसी को बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने पॉइंट आउट करके इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब है ये डेफिनेशन पूरी तरह से अपना जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं कर पाता। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। कन्फ्यूजन क्रिएट करने में सबसे पहला ये है, इसमें गोल्ड, सिल्वर, लैंड, बिल्डिंग, इसको तो वेल्थ मान लिया गया, लेकिन वहीं उसको बेसिक मान लिया गया अलग अलग मटेरियल को जिसके जरिए कि हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जो लोग जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे बार्बर है, वॉशरमैन है, टीचर है, या फिर कोई दूसरी एक्टिविटी में जुड़े हुए लॉयर्स हैं, ये इनके बारे में इसमें बिल्कुल विचार नहीं किया गया कि ये भी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इस सर्विस से भी अर्निंग कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस डेफिनेशन में जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के बारे में केवल एक पार्ट में डील किया गया है, जिसमें केवल और केवल
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इसी को इकोनॉमिकल एक्टिविटी माना गया है। इस कारण से इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन सामने आते हैं। उसके बाद है नैरो स्कोप, इसमें नैरो स्कोप ही दिखता है। नैरो स्कोप का मतलब ये वाइडर स्कोप, इसमें इकोनॉमिक्स के वाइडर स्कोप को इग्नोर करके नैरो स्कोप की तरफ फोकस कर दिया गया है। ये केवल और केवल एक पार्ट जो वेल्थ है उसको तो डीपली डिफाइन कर रहा है, उसके बारे में लगातार ये कोशिश कर रहा है, उसकी क्रिएशन के बारे में, उसके काउज के बारे में बताया है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट मैटर है, ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड, उसको इसमें सेकेंडरी प्लेस दिया गया। ये इसके कारण ये जो डेफिनेशन है वो नैरो स्कोप ही प्रोवाइड कर पाती है, ब्रॉडर स्कोप प्रोवाइड नहीं कर पाती। साथ ही साथ इसमें जो मैंने पहले बताया कि इसमें एडम स्मिथ ने एक इकोनॉमिक मैन का जो इमेजिनेशन किया है, इमेजिन करके इसको ही डिफाइन किया है, वो भी रियल लाइफ में कहीं अवेलेबल नहीं है। रियल लाइफ में ऐसे लोग जो इतने ज़्यादा ग्रीडी नेचर के हों, इतने सेल्फिश हों, ऐसे मिलते नहीं। क्योंकि हम और आप जितने भी लोग हैं सोसाइटी में, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, और इसी कोऑपरेशन बेसिस पे अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, उसको प्रॉस्पेरस, पीसफुल बनाते हैं, जॉयफुल भी। लेकिन अगर सभी लोग अगर कहीं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कहीं इकोनॉमिक मैन हो जाए और वो हमेशा इनकम के लिए ही सारे काम करें और मनी को ही प्राइम मोटिव मान लें अपनी सारी एक्टिविटीज़ का, और इसी को टारगेट करने की कोशिश करें, तो इस सोसाइटी का पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए। तो ये भी जो इकोनॉमिक मैन का कंसेप्ट है वो भी पूरी तरह से ना सही है ना रियल है, ये भी इसकी एक बड़ी कमी है। इसको भी पॉइंट आउट किया है बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने। इसका स्कार्सिटी इन चॉइस, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज के समय में जो इकोनॉमी का जो मेन प्रॉब्लम है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। साथ ही साथ अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स, ये सारे के सारे मेन प्रॉब्लम है। और इस डेफिनेशन में स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स, इन जो मेन जो प्रॉब्लम्स हैं इनके बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला गया। इसी कारण से ये डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन नहीं मानी जाती। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन इग्नोर, इसमें इस डेफिनेशन में जो ह्यूमन बीइंग है जिसको मेन सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए था उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। उसकी सोच, उसकी ज़रूरतें, उनके बारे में सोचा ही नहीं गया, केवल वेल्थ को ही डिस्कस कर दिया गया। ये कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि जिस चीज़ को ये डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है वो केवल और केवल एक मीडियम हो सकता है हमारे लाइफ में, कभी भी वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है सब प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकता है। और इस गोल के अचीव करने के लिए हम भले इनकम और मनी को वेटेज देते हों, लेकिन मनी और जो इनकम है वो सारी की सारी तभी इम्पॉर्टेंट हैं जब वो हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट और पीस, प्रॉस्पेरिटी, उसको फुलफिल कर पाए। लेकिन इस डेफिनेशन में जो मीडियम है उसको ही डेस्टिनेशन बता दिया गया है। मीडियम मनी एक मीडियम है, फाइनल डेस्टिनेशन कभी नहीं। लेकिन इस डेफिनेशन में मनी को ही फाइनल डेस्टिनेशन बता दिया गया है, ये इसी कारण से यह डेफिनेशन पूरी तरह से सही नहीं मानी जाती और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इससे बिल्कुल भी आगे नहीं करते। स्टैंगन, ये एक और भी बहुत बड़ी कमी है। स्टैंगन का मतलब है ये पूरी तरह से स्टैटिक डेफिनेशन है, इसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है, रिजिड नेचर का है। इसी कारण से ये डेफिनेशन आज जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल नहीं कर पाता, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी डिमेरिट है जिसको इकोनॉमिस्ट ने, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने टारगेट करके बता दिया। अब आते हैं सेकंड डेफिनेशन जो है वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन दिया है अल्फ्रेड मासर ने, यह डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन के बाद आया है। इसी कारण से उस डेफिनेशन की सारी कमियां हैं उसको इसमें दूर करने की कोशिश की गई है। इस डेफिनेशन में जो प्राइम सब्जेक्ट मैटर है, जो मेन सब्जेक्ट मैटर, वो ह्यूमन बींग है और वेल्थ सेकेंडरी सब्जेक्ट मैटर है, न कि प्राइम। अकॉर्डिंग टू मार्शल,
Economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is mostly closely concerned with the attainment and with the use of material requisites of well-being. इसमें मार्शल ने इस डेफिनेशन में बताया है कि लोग खुद या फिर सोसाइटी के साथ मिलकर अलग अलग रिसोर्सेज यूज करके अलग अलग तरीके से अपने वेलफेयर का रास्ता निकालते हैं, अपनी प्रोस्पेरिटी का, अपने सेटिस्फैक्शन का रास्ता निकालते हैं और खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। इसके जरिए उनका जो फाइनल जो एम है वेलफेयर का, सेटिस्फैक्शन का, उसको वे अचीव कर पाए। इसमें मार्शल ने फाइनल ये बता दिया है कि जो हमारी फाइनल ऑब्जेक्टिव जो ह्यूमन बींग की होती है, प्रोस्पेरिटी, पीस, डेवलपमेंट, उसको अचीव करने के लिए ही अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं जिसमें मनी और वेल्थ उसकी हेल्प करता है। इसलिए ये केवल हेल्प के रूप में लिया जाता है, ना कि इसी को अचीव करने के लिए सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, ये क्लियर है। इसकी जो डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें हम ह्यूमन बींग को स्टडी करते हैं, उसकी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है जो पर डे लाइफ स्पेंड करता है उसी को स्टडी करते हैं। साथ ही साथ इसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो इंडिविजुअल और सोशल एक्शन के हैं उनको पढ़ते हैं, जो अलग अलग सोशल इंडिविजुअल एक्शन हैं उनको ही हम इसमें स्टडी करते हैं। इसके जरिए वो या तो इंडिविजुअली या फिर एज ए ग्रुप खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। उसके बाद है अटेनमेंट ऑफ मटेरियल वेलफेयर एज एंड ऑफ इकोनॉमिक्स, और जो मटेरियल वेलफेयर है वही एंड है इकोनॉमिक्स का। इसमें जो फाइनल ऑब्जेक्टिव जो बताया गया है वह है मटेरियल वेलफेयर। अब इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस डेफिनेशन की, स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशंस आर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ये डेफिनेशन कंप्लीटली स्टडी करता है मैनकाइंड का, न कि वेल्थ का। इसमें ह्यूमन बींग की नीड्स, उनकी फीलिंग्स, उनके जो अलग अलग जो आइडियाज हैं उनको कंसिडर करते हुए उनके बारे में डिफाइन किया गया है डिटेल में, और उसको ही प्राइम ऑब्जेक्टिव माना गया है इकोनॉमिक्स का। इसमें ऑर्डिनरी मैन, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई इकोनॉमिक मैन होता नहीं है, इसमें ऑर्डिनरी मैन उसी को स्टडी किया गया है। ऑर्डिनरी मैन कौन से लोग हैं, जो ऑर्डिनरी मैन हैं, जो हमारे रियल लाइफ के पार्ट हैं, जो कभी खुद के बारे में और सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, सारी एक्टिविटी केवल सेल्फिशनेस और ग्रीड के कारण नहीं, बल्कि कभी कभी वेलफेयर के लिए और दूसरों के लिए भी परफॉर्म करते हैं, ऐसे लोगों की एक्टिविटीज को ही यहाँ पर कंसिडर किया गया है। इसलिए ये स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन है, न कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक मैन। ये स्टडी ऑफ रियल मैन भी, क्योंकि इसमें रियल मैन जो रियलिटी में जिनकी एग्जिस्टेंस हमारे और आपके बीच में है उनकी एक्टिविटीज को हम कंसिडर करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, जिसमें वो कभी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है, कभी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, और हमेशा मिलजुल के काम करता है, क्योंकि वो जानता है जो रियल मैन है कि वो इंडिविजुअली अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, इसको सपोर्ट चाहिए पूरी सोसाइटी से, इसलिए कभी इसको सोसाइटी के लिए काम करना होगा और कभी सोसाइटी किसके लिए काम करेगी। और जो चौथा जो करेक्टिविटी है प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, इसमें वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए डेफिनेशन दिया गया है। इसके जरिए ये डिसाइड किया जाता है कि कैसे सोसाइटी और जो इंडिविजुअल है उनका वेलफेयर होगा, उनका कल्याण होगा, उनकी भलाई होगी। स्टडीज मटेरियल मीन्स प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर एंड एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वेल्थ एंड वेलफेयर इन द सरी फॉर मैनकाइंड, क्योंकि इसमें माना गया है कि वेल्थ और वेलफेयर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे सक्सेसफुल लाइफ का पार्ट है। हम अगर सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं तो जितना वेल्थ जरूरी है उतना ही वेलफेयर भी जरूरी है। यूज ऑफ मनी, ये डेफिनेशन कंसिडर्स मटेरियल इकोनॉमिक वेलफेयर इज पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर विच कैन बी इजिली मेजर विद द मेजरिंग रॉड मनी। इसमें ये माना गया है कि मनी के जरिए ही हम सारे की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वेलफेयर को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। मतलब मनी के यूज के जरिए ही हम ये पता लगा सकते हैं कि किन लोगों का वेलफेयर हो रहा है और किन की वेलफेयर नहीं हो रही है।
In other words, sufficient income is the basis of satisfied life. मतलब यहाँ पर बता दिया गया है कि सफिशियंट इनकम के जरिए ही आप सेटिस्फाइड लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, जो सही भी है। इस डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया गया है, ये डेफिनेशन भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इनको किन किन पॉइंट पर क्रिटिसाइज किया गया है, जो अल्लाह के इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है, वो देखते हैं। अनसाइंटिफिक, सबसे पहले क्रिटिसाइजर ने बोला है कि यह डेफिनेशन अनसाइंटिफिक है, ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस डेफिनेशन में वन काइंड ऑफ मार्शल डेफिनेशन वन काइंड ऑफ बिहेवियर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर इन ए हैपजर्ड वे सजेस्ट इज हाईली वेरिएबल। इसमें मार्शल ने जो अलग एक्टिविटीज को इस तरह से क्लासिफाई किया है जिससे इसको समझ पाना, पढ़ के इसकी मतलब निकालना बहुत मुश्किल है। मतलब ये बोल सकते हैं कि मार्शल ने सिमिलर टाइप में सोशियल और इंडिविजुअल एक्टिविटीज को इस तरीके से मिक्स कर दिया है कि दोनों को डिस्टिंक्ट करके अलग अलग समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये अनसाइंटिफिक माना गया है। दूसरा, वेलफेयर पे, अब वेलफेयर को भी, वेलफेयर के बारे में बोले जाए इसका मीनिंग क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें इस डेफिनेशन में मार्शल ने बताया है कि हम वेलफेयर को मनी में मेजर कर सकते हैं, अगर सफिशियंट इनकम हो गया तो वेलफेयर हो गया, लेकिन आज के जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो इससे एग्री नहीं करते, क्योंकि केवल और केवल इनकम, सफिशियंट इनकम कभी भी सेटिस्फेक्शन का ओनली वन बेस नहीं हो सकता। आप ये कंसिडर करिए कि आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ की इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वहाँ आप हमेशा डर के माहौल में जी रहे हैं, कभी भी कोई तरह की घटना घट सकती है, या फिर आपकी इनकम सफिशियंट हो रही है लेकिन उस जगह का एनवायरमेंट एकदम खराब है, आपकी हेल्थ खराब रहती है, तो क्या इस सिचुएशन में आप सेटिस्फाइड लाइफ स्पेंड कर रहे होंगे? ये सोचने वाली बात है, निश्चित रूप से नहीं। तो इसलिए जो वेलफेयर का जो कंसेप्ट है वो भी इसका मीनिंग पूरी तरह से क्लियर नहीं है। केवल और केवल इनकम को ही वेलफेयर का मेजरमेंट रॉड मान लेना, मेजरमेंट स्केल मान लेना पूरी तरह से सही नहीं है। ये गलती मार्शल ने अपने डेफिनेशन में की है, इसी को मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने पॉइंट आउट किया है। उसके बाद है नैरो स्कोप, इसकी स्कोप भी नैरो है, इस तरह से पहले वाली जो वेल्थ डेफिनेशन थी उसकी स्कोप नैरो है, यहाँ पर भी इसकी स्कोप नैरो ही है, क्योंकि ये भी केवल ह्यूमन बीइंग इसकी नीड इसको ही फोकस करके रह गया। इसने भी जो इकोनॉमी के जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स, इसको इसने भी पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इसलिए ये भी केवल एक पार्ट ह्यूमन बीइंग मैनकाइंड उस पर ही फोकस करके रह गया, जो ओवरऑल जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी की उसको इसने डिस्कस नहीं किया। इसी कारण से ये भी नैरो स्कोप प्रोवाइड करता है, ये अनरियलिस्टिक भी है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज को मार्शल ने नॉन इकोनॉमिकल और इकोनॉमिकल में कैटेगराइज कर दिया, लेकिन ये कैटेगरी पूरी तरह से क्लियर कट नहीं है। मतलब ये क्लियर कट क्लासिफिकेशन करने में मार्शल फेल रहे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन में जो मार्शल ने जो डिफाइन किया है इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज की, वो पूरी तरह से उसकी मीनिंग समझ नहीं आती। उसके बाद है मेटेरियलिस्टिक वेलफेयर ऑनली, और इस डेफिनेशन में मार्शल ने वेलफेयर को पूरी तरह से मेटेरियल पर डिपेंडेंट माना है। मतलब ये मान लिया है कि अगर सफिशियंट वेल्थ, सफिशियंट प्रॉपर्टी, इनकम अगर हो तो ही कोई आदमी सेटिस्फाई हो सकता है, ऐसे सेटिस्फैक्शन इम्पॉसिबल है। तो मेटेरियलिस्टिक वेलफेयर को ही वेलफेयर मान लिया जाए, ये सही नहीं है, क्योंकि ये तो हर आदमी जो अलग अलग इंडिविजुअल हैं उनके खुद का जो ओपिनियन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, न कि मटेरियल। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी कम इनकम में भी सेटिस्फाइड लाइफ जी सकते हैं, वो वेलफेयर फील कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होगी फिर भी वो हमेशा डिसटिस्फाइड हों और वो कभी सेटिस्फेक्शन फील ना करें, ऐसा तो हो सकता है। इसलिए ये मेटेरियलिस्टिक वेलफेयर है, इसका कॉन्सेप्ट जिस डेफिनेशन में दिया गया है वो भी पूरी तरह से सही नहीं है। उसके बाद है इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसिडर विद इंड्स, और फाइनली हम इकोनॉमिक्स को हमेशा इसके इंड्स से नहीं समझ सकते, क्योंकि इसके बहुत सारे और भी डायमेंशंस हैं,
जब डायमेंशंस को कंप्लीटली स्टडी किया जाएगा तब इकोनॉमिक्स हो जाएगी। इसमें इस डेफिनेशन में मार्शल ने जो इंड है जो वेलफेयर उसी के बेसिस से पूरे सब्जेक्ट को स्टडी किया है। केवल इंड के बेसिस से पूरे सब्जेक्ट को स्टडी कर लेना ये पॉसिबल नहीं है। इसमें बहुत सारे दूसरे डायमेंशन जब ऐड होते हैं ऐड होंगे तब इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट होगी। केवल फाइनल इंड जो वेलफेयर है उसके बेसिस पे पूरे के पूरे सब्जेक्ट को समझ लेना ये इम्पॉसिबल है। तो इकोनॉमिक्स जो अपने इंड के बेसिस पर कंसिडर किया जाए उसको स्टडी किया जाए तो इसके जरिए पूरे सब्जेक्ट मैटर को जान पाना संभव नहीं। ये भी एक बड़ी वीकनेस है इस डेफिनेशन की, इम्प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। इसमें जो डेफिनेशन है जो एक्सप्लेनेशन है वो इम्प्रॉपर है, सही पूरी तरह से इसकी मीनिंग क्लियर नहीं होती। बहुत सारे जो प्रॉब्लम हैं इकोनॉमिक्स के उनको इसमें टच भी नहीं किया गया, इस कारण से ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने में फेल हो जाता है और इसको सोशल साइंस ही मान लिया गया। मार्शल ने इकोनॉमिक्स को एज ए सोशल साइंस कंसिडर किया है, ह्यूमन साइंस नहीं। मतलब एज ए सोसाइटी ही पूरे के पूरे इकोनॉमिक को ये कंसिडर करते हैं और इसको सोशल साइंस का पार्ट मानते हैं। और इसी कारण से इसको ह्यूमन साइंस के बजाय उन्होंने सोशल साइंस माना है, जबकि इस ह्यूमन साइंस भी है क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल की अपनी जो खुद की जो सोच है उसका भी अपना इम्पोर्टेंस है। वो हमेशा सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं सोचता,